हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, तो मैं लगाने जा रही हूँ बालों में मेहंदी। तो मैंने सोचा मैं सुबह लगा लूँगी, तो मेरे सारे काम मेहंदी लगाने के बाद हो जाएंगे। तो मैं लगाने बैठी तो हस्बैंड बोले 1 घंटा तुम लगाओगी देख देख के, इतने अच्छा लाओ मैं ही जल्दी जल्दी तुम्हारे लगा देता हूँ। तो उन्होंने लगा दी तो सच में बहुत जल्दी लग गई और काफ़ी हेल्प हो गई मेरी। तो उसके लगाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेहंदी लगाने के तो मेरी बाद। बिट्टू रानी घर से बाहर निकल चुकी थी और कैसे देखो खड़ी थी, मुझे हंसी आ रही थी देख के इनको। तो उसके बाद अब तो मेरी मेहंदी सूख भी चुकी है और मेरा सारा काम भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, अब मैं तैयार हूँगी आप लोगों से मिलती थोड़ी देर बाद। देखो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं शादी में, वीडियो पे आप लोग ऐसे ही बने रहे हैं। सी हेलो बोलो, बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो। अब चिप्स खाने में लगी हैं तो बोल नहीं रही हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग आए थे तो ये पेड़ों की छटाई वटाई हुई थी ना, तब नहीं फूल वूल थे ना। आप देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। देखिए दोस्तों इतनी तेज गाड़ी चल रही है तो कुछ सब वही नहीं हो पा रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों बारात आ चुकी है और जैसा कि है मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो रेडी हो चुकी हूँ, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है, वो भी अपना इधर उधर टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई दोस्तों? मैं अपना ज्वेलरी वाला बॉक्स यहीं भूल गई, तो मैं जब पहन के गई थी वहीं मैं पहने रही। मैं वहाँ क्या करती, टेंशन बहुत हो रही थी और ख़ुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि क्या करूँ, शादी में आई हूँ ऐसा वैसा, लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो फिर मैंने जो था ठीक था, चलो ठीक है जो भी था। ये बैठी है मेरी मम्मी और मम्मी मौसी, बहुत सारे लोग थे। सारे लोग, मौसी की बिटिया की शादी थी तो सारे लोग थे। और ये मेरी बिटिया को किसी ने मार वार दिया है क्या है, तो रो रही थी वहाँ पे। उसके बाद ये मेरी मम्मी तैयार होके बैठी है यहाँ पे रूम में, सब लोग बैठे हुए हैं। ये है मेरी मामी, इनके पास बैठ जाओगे तो हंसते हंसते आपका पेट दर्द होने लगेगा, बराबर इतना हंसाती रहती हैं। और अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, मौसी सीरी क्या बोलते हैं, इमोशनल हो रही थी अपनी बिटिया की वजह से। दुख भी लग रहा था, क्या किया जाए भाई, जब बेटी की शादी होती है तो खुशी भी होती है। आपको पता है मेरे बच्चे कहीं भी डीजे बज रहा हो बहुत डांस करते हैं, करना आए चाहे ना आए करते ज़रूर हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये देखो कैसे टहल कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल उस पर भीड़ नहीं है तो इसलिए अपना खूब इंजॉय कर रहे थे, अपना डांस भी कर रहे हैं। सिवाय सिया दोनों भाई बहन डांस कर रहे हैं, तब तक बारात भी आ गई है। तो ये बाहर हो रहा है द्वार चार, ये मेरी मम्मी मौसी मामी सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये रहा गेस्ट हाउस जिससे शादी हो रही है, तो सारे लोग अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई जा रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये मेरी बिटिया रानी चल रही है, अभी जयमाल का टाइम हो गया है तो वही मैं आके बैठी, थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया है। तो अभी थोड़ी बहुत देर में दुल्हन आने वाली है, तो अब जयमाल पढ़ने जा रहा है, जयमाल के लिए लड़की जा रही है। मौसी को देख रहे थे तो बहुत बुरा सा लग रहा था, बेचारी बहुत दुखी दुखी थी, आंखों में आंसू थे उनके। पता नहीं कौन सी ये रीति है कि लड़कियों की शादी करके दूसरे घर भेज दिया जाता है, तो मौसी को देख के बहुत बुरा लग रहा था। और ये भी बेचारी बहुत रो रही थी, अभी मेकअप करवाने जा रही थी, इसके पहले बहुत रो रही थी, देख के मुझे भी रोना आ गया। पता नहीं कौन सी ये रीति किसने बनाई है। चलो खैर छोड़ो, ये तो सबके साथ ही होता है, कभी मेरे साथ भी हुआ था, आज इनके साथ हो रहा है। तो जयमाल के लिए आ गए हैं, लड़की जोड़ी अच्छी लग रही थी, दोनों लोग अच्छे लग रहे थे,
बढ़िया लग रहा था। और जयमाल पट जाए तो फिर मैं भी निकलूं, क्योंकि कल जो है मेरे बेटे का टेस्ट चल रहे हैं, तो टेस्ट हैं तो लास्ट टेस्ट था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। तो मैं जितना जल्दी यहाँ हो जाए मैं निकल जाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे लेट हो जाएगा, तो और आदमी सोएगा नहीं तो सुबह कैसे जाएगा टेस्ट देने के लिए। तो मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, मैं पहले पहुँच गई थी लेकिन लेट नाइट नहीं रुकी थी। तब भी मुझे आते आते 2:30 बज गया था। तो उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक